हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज किचन। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ट्राइफल पुडिंग। तो चलिए बनाते हैं ट्राइफल पुडिंग। ट्राइफल पुडिंग के लिए हमें केक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वैनिला स्पॉन्ज केक ले लिया है और छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। तो आप मेरे वैनिला स्पॉन्ज केक का वीडियो देख सकते हैं, या चाहे तो मेरा प्लेन बेसिक केक का एक प्लेन केक का रेसिपी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप चाहे तो बाजार से भी प्लेन केक ला के भी ये रेसिपी बना सकते हैं घर में। ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। तो इसमें हमें चाहिए कुछ आलमंड्स के काटे हुए पीसेस और कुछ रेजिन्स ले लेंगे, और चाहिए हमें दो तरीके का जेली, जो वेजिटेबल जेली मैंने ले लिया है, स्ट्रॉबेरी जेली और ऑरेंज जेली। और कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने ले लिया है 5 कप मिल्क ले लिया है, और 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, वैनिला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, शुगर ले लिया है मैंने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा। और फ्रूट्स में हम कैन फ्रूट्स यूज़ करेंगे, तो चाहिए हमें कुछ पाइनएप्पल के स्लाइसेस चाहिए, और फ्रूट कॉकटेल का फ्रूट्स चाहिए हमें, और व्हिप्ड क्रीम चाहिए हमें 250 ml। अब मैंने एक पैन में मेजरमेंट के काप के 2 कप पानी रख दिया है, और एकदम पानी में उबाल आ चुके हैं। तो हम ये जो जेली का पाउडर है, ऑरेंज जेली का, पहले इसको हम मिला लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा स्टार कर लेंगे। जैसे ये चीनी मिल जाए तो फिर हम इनको बंद कर देंगे। ये जेली बस मिक्स हो जाना चाहिए पानी में। जेली को आप अच्छे से सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छे से जब ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा, तब हम इसका छोटे छोटे पीसेस करके यूज़ करेंगे। अब दोबारा मैंने फिर 2 कप पानी मैंने रख दिया है उबालने के लिए। अब पानी में उबाल आ चुके हैं, तो अभी ये स्ट्रॉबेरी जेली बना लेंगे। बस जैसे ही हम जेली पाउडर डालेंगे तो बस थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए, तो गैस ऑफ कर देंगे। अब स्ट्रॉबेरी जेली को भी मैंने सेट करने के लिए रख दिया है, तो ये जैसे अच्छे से ठंडा हो जाएगा, जब सेट हो जाएगा तो इसके भी हम पीसेस करके और फिर हम ट्राइफेल में यूज़ करेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने सॉस पैन में दूध रख दिया है, और दूध में अब उबाल आ चुके हैं, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से पानी के साथ मिला लिया है, घोल लिया है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक उबाल लेना है, और कस्टर्ड को कंटिन्यू स्टार करते हुए ही पकाना है। अब क्रीम को मैंने बर्फ के पानी के ऊपर रख दिया है, और क्रीम को हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें मैंने स्वाद अनुसार चीनी भी डाल दिए है, तो अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। अब पहले हम ट्रे में ये जो केक है इनको ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड पोर कर देंगे। अब इसके ऊपर जेली को मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हैं, तो थोड़ा जेली डाल देंगे, स्ट्रॉबेरी जेली। फिर ऑरेंज जेली, और जो बादाम को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा किशमिश बादाम डाल देंगे। थोड़ा सा पाइनएप्पल की पीसेस डाल देंगे। थोड़ा सा कैन फ्रूट्स को डाल देंगे, से थोड़ा क्रीम डाल देंगे। अब फिर ऊपर से केक डाल देंगे। अब कस्टर्ड डाल देंगे। अब ऑरेंज जेली डाल देंगे, स्ट्रॉबेरी जेली,
बादाम और किशमिश, फ्रूट्स डाल देंगे, अब इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे। ट्राइफल पुडिंग अब बिल्कुल रेडी है। मैंने थोड़ा सा जेली और किशमिश और बादाम और पाइनएप्पल के साथ इसको गार्निश किया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसको हम 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो अपने घर में बनाइए, मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ।